Hello everyone. Today we are doing our first chapter, which is राख की रस्सी. So आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में. लोनापोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गांपो के मंत्री थे. वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे. कोई उनके सामने टिकता न था और चैन से जिंदगी चल रही थी. मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था. कारण यह था कि वह बहुत भोला था और होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी. तो लोनापोगार ने सोचा, मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा. तो एक दिन लोनापोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जौ बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा. इसके बाद उनके बेटे को शहर की तरफ रवाना किया. लोनापोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे. तो वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था. वह बहुत दुखी था. तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई. क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनापोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया. इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ. इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के सारे बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया. जो रुपए मिले उनसे जौ खरीद के, कितने बोरे, 100 बोरे, उसे घर वापस भेज दिया. लोनापोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. वे उठकर कमरे से बाहर चले गए. तो दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, तो इसीलिए अब आप दोबारा उन भेड़ों को लेकर जाइए और उनके साथ जो 100 बोरे जौ के थे वो भी लेकर लौटना. एक बार फिर निराश लोनापोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा. न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और कुछ हुआ भी ऐसे ही. वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई. अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे. लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है. उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे. बोरे लोनापोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया. भेड़ों और जौ के बोरों के साथ पिता के हवाले करते हुए लोनापोगार का बेटा खुश था. उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई. सुनकर लोनापोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी रस्सी बनाकर दे, लेकिन ऐसी वैसी रस्सी नहीं, राख की रस्सी. उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया. लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह रस्सी गले में पहननी पड़ेगी. लोनापोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव ही है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली. अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया. रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई. इससे वह सिल समेत लोनापोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा. लोनापोगार रस्सी को देखकर चकित रह गए. वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी. लड़की की समझदारी के सामने उन्होंने अपनी उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई, और बिना वक्त गवाए लोनापोगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई. सो आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी.